नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड टॉक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के अब जो है सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है कि उत्तराखंड में जो वायलेंस हुई है उसमें कई लोग जो है मर भी गए हैं और साथ साथ पुलिस के जो जवान हैं 200 से अधिक जवान और साथ साथ जो स्थानीय प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनमें घायल हो चुके हैं और इसको लेकर के अभी बहुत बड़ी जांच चल रही है और पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपको पता है कि हल्द्वानी में जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर के सरकार अब पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है और उसी को लेकर के जो है पुष्कर सिंह धामी ने रिसेंटली आपको देखा है कि जो उत्तराखंड में UCC पास हुआ है उसको लेकर के कई लोग नाराज चल रहे थे, तो इस हिंसा को लेकर के जो इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी एक परिणाम हो सकता है। दोस्तों इसको लेकर के जो है पुष्कर सिंह धामी ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में जो भी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसको योगी मॉडल के जरिए निपटा जाएगा, क्योंकि योगी मॉडल आपको पता है कि बुलडोजर एक्शन होता है। अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कोई वहां की बहन बेटी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी अवैध संपत्ति है उसको गिराने का हक लीगली तौर से जो है सरकार के पास होता है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके भी चैनल्स होते हैं, कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, मगर लोगों ने कोर्ट के माध्यम को अपनाया नहीं और हिंसक प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया और उसमें जो घायल लोग हुए हैं, जो भी लोग मरे हैं, उसका जो है परिणाम ये हुआ है कि हल्द्वानी में बहुत ज़बरदस्त वायलेंस हो चुकी है। इसी को लेकर के पूरे हल्द्वानी शहर में जो एक तरह से कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा है कि जो भी बरेली में हुआ है, जो भी उत्तराखंड में हुआ है, उसको लेकर के जो हम भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि समान नागरिक संहिता जो लागू कर दी गई है शायद इसी का उसको रिएक्शन मिल सकता है, मगर इससे अभी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें देखना है कि हल्द्वानी पूरी तरह से शांत रहे और यहाँ पर किसी प्रकार से अहिंसक प्रदर्शन ना हो। इसको लेकर के सरकार ने बहुत कड़े सख्त कदम उठाए हैं और साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में हल्द्वानी में जितने भी लोग हिंसक रूप से एक तरह से प्रदर्शन में शामिल थे उन पे जो प्रशासन पे जो हमला किया था उसको जो दोषी ठहराया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी जो है भरपाई सरकार खुद उन दंगाइयों से की जाएगी। इसके लिए करके UCC के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। दोस्तों और भी अपडेट के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करें।